श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं पपीता हमारी, ये चाचा ने सब पपीता तोड़ लिया हमारी, और ये पूरी नीचे से लगी थी जमीन से। इन्होंने देख लीजिए ऊपर ऊपर कोई कोई बचे हैं, बहुत पैसे दिए इन्होंने। इनसे बात करते हैं हमारी, इन्होंने इतने पैसे दिए, हम एक गाड़ी लेके आ गए, फोर व्हीलर टाटा टिगोर 10 लाख की गाड़ी। और वो देख रहे हैं चाचा, इन्होंने पैसे दिए हैं हमारे को गाड़ी लाने के लिए, ये पपीता के पैसों से। इन पपीता के पैसों से इन्होंने चाचा ने कहा हमारे को गाड़ी ला के खरीद के दिए। तो और पूछते हैं कितना तोड़ा है माल इन्होंने आज, तो आगे वीडियो पूरा देखिए। सलाम वालेकुम चाचा, क्या कर रहे हो? ये पपीता हमारी तुमने नीचे से लगी हुई थी, अभी तक तोड़ तोड़ के ऊपर की दो चार ही दिख रही है केवल। अब ये प्लस चालू है ना ऊपर, तुमने खाने के लिए नहीं छोड़ी हमारे लिए क्या? सब पपीता तोड़ ली तुमने तो? और निकलेगा कितने दिन हो गए तोड़ते तोड़ते? 6 महीने हो गए। और ये भैसा भी है, ये खास ये है, ये हमारे सभी भाइयों को नमस्कार। ये पपीता लपेट रहा है, ये देखिए कौन सा पेपर लाया आज, ये बटर पेपर है, बटर पेपर, और इनमें लपेट रहे हैं। कितने बार तोड़ लिया हमारा बगीचा आपने? 6 महीने चालू है भाई साहब। 6 महीने से तोड़ रहे लगातार? लगातार 6 महीने से चालू है और 3 महीने और चलेगा अभी। अच्छा, वो बोलते हैं हमारे जो यूट्यूब देखने वाले कि झूठ बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपने कितने पैसे दिए हमको अभी तक? देखो ऐसा तोल का सौदा है, फिर भी अभी बहुत अच्छे रुपये बन गए। कितने बन गए थे? बहुत अच्छे बन गए। हाँ अच्छे बने ना, ना हमारे किसान 12 लाख रुपए कार लेके आए, फिर और पपीते में लेके आए, पपीते में लेके आए ना। हाँ बिल्कुल, लोग झूठ बोल रहे हैं कि इतने पैसे नहीं बनते हैं। और तरबूज बाकी है अभी। हाँ तरबूज भी लोगे ना, अभी तरबूज भी लेंगे, तरबूज भी तैयार होने वाला है 2-4 दिन में। आज कितना माल हो गया होगा ये? आज का हो जाए करीब करीब 3 टन 32 क्विंटल के आसपास। 32 क्विंटल हो जाएगा। ये ऊपर से मेघ बरस रहे हैं, ये तो रहमत है, बरसती रहेगी इंसान के हाथ में तो है। ये पेपर गीले हो जाएंगे फिर नुकसान तो नहीं होगा? हर चीज का इंतजाम है, छतरी तैयार है इसके लिए। अच्छा पाल वाल ढक्के लाए हैं? बिल्कुल सब कंप्लीट है। और वो छोटे भैया, सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है बेटे? पपीता लपेट रहे हो? ये देखिए पपीता लपेटने का इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। ये जबलपुर के लिए लोडिंग हो रहा है, जबलपुर। ये इनके बाल बाल उड़ गए हैं माथे में से पपीता लपेट लपेट के। देखिए जबलपुर के लिए लोडिंग हो रहा है, ये जबलपुर जाएगा, जबलपुर जाएगा साहब। हाँ और क्या आज क्या रेट क्या खोला आपने? रेट ही रेट है, फिर भी हमें क्या दोगे आज तुम? 11 दे देंगे आपको। 11 11 रुपये? 11 देंगे, 11 11 रुपये, आधे पैसे हो गए। तो आपने पहले ले गए थे 22 रुपये में, बाजार का रेट है, हमारे घर का रेट थोड़ी है। आज 11 रुपये रहते हैं, 11 रुपये। चलो ठीक है, बहुत माल दिया तुमने और हमारा बगीचा पूरा खाली कर दिया। देखिए दोस्तों ये फिर गलत बोल रहे हैं आप, ये बगीचा खाली नहीं कर दिया, ये तोड़ तोड़ के आपके बगीचे ने माल दिया। अच्छा तो आपने खरीदा, अपने भी आपको माल दिया, माल दिया तो ही गाड़ी आई है वो, है ना, जो इसमें हम घूम रहे है। 12 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, 12 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूं। पपीता की देन है ये? काय की देन है? पपीते की देन है, पपीते की देन है, टाटा टिगोर पपीते की देन है, पपीते की। ये हमारा माल यहाँ से चालू था दोस्तों, ये 1 फीट से चालू हुआ था, तोड़ते 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 देख लीजिए चाचा की दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है, इतने ये पपीते का गोड़ भी बड़ा हो गया। सभी दूर माल जा रहा है, झालरा पाटन जा रहा है, जयपुर जा रहा है, बीकानेर जा रहा है, अजमेर जा रहा है, ब्यावर जा रहा है, चित्तौड़ जा रहा है। और अभी ये जबलपुर का ऑर्डर आज का, ये जबलपुर का, जबलपुर जाएगा कल, ग्वालियर की भराई, कल ग्वालियर की भराई। अच्छा कितने बगीचे खरीदे आपने? 26-27 बगीचे हैं अभी कुल मेरे पास, 26 बगीचे करीब। 26 बगीचे सब तोल के सौदे हैं, सब तोल के सौदे, टाइम टू टाइम रेट होता रहता है इसका। हर मतलब हर जो कटिंग होगी उसका टाइम अलग रहेगा ना? बिल्कुल, अगले हफ्ते फिर वापस मिलो इसमें। ये आपका पेपर फट गया नीचे से, थोड़ा लोड ज्यादा लेने में आ गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसका सपोर्ट तो हो गया। ये पेपर कहाँ से लाए आप? ये पेपर तो महाराष्ट्र से मंगाया था, ये महाराज अपने इधर तो सादे मिलते हैं, सादा हिंदी वगैरह मिलता है, बटर पेपर है, ये बटर पेपर है ना। तो इनका क्या रेट है पेपर का? ये पेपर आया मेरा 65 रुपये किलो, 65 रुपये किलो, और ये किलो ट्रांसपोर्ट वगैरह मिला के। और ये सादा क्या भाव मिलता है? सादा 35 रुपये किलो, आधा सादा, सादा हाँ तो आधे भाव, सादे का आधा भाव रहता है। तो ये महंगा है यार, ये बटर है ना, व्हाइट पेपर है, तो इससे क्या होता क्या है, ककड़ी में कुछ रहता है क्या? खूबसूरती आ जाती है और क्या है, मतलब ऊपर जरा लाली पाउडर लग जाता है इसको।
अच्छा, लाली पाउडर जो दिखेगी, इतना खूबसूरत कांच के टुकड़े की तरह जो माल है, इसके लिए भी पेपर भी अच्छे बनता है। तो जो दिखेगी बिकेगी भी है ना? बिल्कुल, कहते हैं ना लोग दिखती है तो बिकती है। अरे ये तो बिकी हुई बुकिंग की है। अच्छा, बुकिंग करी हुई, बड़ा बड़ा मॉल में बिकेगा माल। ये छीटे आ गए, कुछ पल्ली वल्ली ढक दो इसमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बिल्ली के छीकने से छीका नीचे थोड़ी गिर जाएगा ऐसा। हाँ, ये तो छीटे आएंगे और चले जाएंगे, पानी चले जाएंगे। और वो छोटे भैया कहाँ गए? छोटे भैया अंदर राउंड पे गए। अच्छा, वो भी ला रहे हैं कैरेट भर भर के। देखिए ये कैरेट भर भर के अंदर से ला रहे हैं और यहाँ ढेर करके ये पपीता जमा रहे हैं। ठीक है भैया। ठीक है भाई साहब, जय श्री राम, जय महाकाल, मिलेंगे अगले हफ्ते।